मंदिर है और ये 500 साल पुरानी मंदिर है, 500 साल पुरानी धरोहर आप समझ सकते हो। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप जाके नीचे जिनसे पूछे हो उन्हीं से पूछिए कि आप यहाँ बैठकर अयोध्या धाम में पवित्र धरती पर झूठ क्यों बोलते हैं। ये द्वार था, द्वार पर हनुमान जी बैठे थे जो हनुमान गढ़ी के रूप में है। ये द्वार था तो भगवान राम का राज दरबार अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने बनवाया, और इन्हीं दो मंदिरों के मध्य से आप जाते हैं तो आपको 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस समय आए हैं तो क्या आपको बंद मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब गलत भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। जी सर, ये भगवान राम का राज दरबार है। जी, जब पूछिएगा आपको तो बताया जाएगा कि ये मंदिर बंद रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं राजद्वार मंदिर, और इसको मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर भी कहा है। इस मंदिर को मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर भी कहा जा सकता है, कहा ही जाता है। और लोगों का यहाँ मिथ है कि लोग जो भी ऊपर आते हैं, नीचे पूछिएगा आपको तो बताया जाएगा कि ये मंदिर बंद रहता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर हमेशा खुली भी रहती है। बताया था ना कि बंद है, हाँ? आइए, हम लास्ट वहां तक गए हुए हैं, अंदर तक। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो मुख्य द्वार मंदिर है इसके बारे में नीचे लोग बताते हैं कि मुख्य द्वार मंदिर हमेशा बंद रहता है। तो हम अभी मुख्य द्वार मंदिर के अंदर हैं, और मुख्य द्वार मंदिर के आप पुजारी हैं ना? हाँ। तो हम मुख्य द्वार मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं कि क्या इसकी क्या सच्चाई है, कितने परसेंट इसमें सच्चाई है। तो चलिए डायरेक्ट मुख्य द्वार मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं। जी सर, ये भगवान राम का राज दरबार। जी, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों जगह आता है। आप लोग स्वयं देख सकते हैं, ये अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का बनवाया हुआ 500 साल पूर्व का ये मंदिर है। अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है, और जैसा आपने अभी कहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस समय आए हैं तो क्या आपको बंद मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब गलत भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। जो मंदिर का निर्धारित समय है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, फिर 3 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर प्रतिदिन खुला रहता, पहले भी खुला रहता था। ये नीचे वो लोग बता देते हैं जो मंदिर के मार्ग को अवरोध करके अपनी दुकानें बना रखे हैं, हैं? अपने ढंग से जो हम मंदिर के जमीनों का उपयोग करते हैं वही लोग बताते हैं। अगर बता दें कि मंदिर खुला है, लोग आने जाने लगेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी, जो अवैध कब्जा किए हुए मंदिर की जमीन पर बैठे हुए हैं। इसीलिए भ्रांतियाँ। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप स्वयं नीचे, अगर जिन लोगों ने कहा कि बंद रहता है तो आप तो स्वयं आए, क्या आपको बंद मिला? ऐसा है सर कि 2021 में मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि ये मंदिर बंद होता है, और पता नहीं प्रभु श्री राम का बुलावा था कि मैं ऊपर तक आ गया था। जी जी, ठीक है। और मुझे पता था कि ये मंदिर खुली, और उस समय भी बात हुई थी हमारी तो पता चला कि मंदिर खुली हुई रहती है। तो हमारे कुछ मित्र लोग भी आए हैं, ठीक है, तो इस बार भी मैंने नीचे दुकानदारों से बात किया तो उन्होंने बताया कि मंदिर खुली होती है, बंद होती है, ठीक है, बंद ही रहता है। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि नहीं, मंदिर खुली रहती है, और आप चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये आप स्वयं रामायण रामचरितमानस में साफ साफ राजद्वार का जिक्र स्पष्ट है। भगवान राम अपने राजद्वार से ही होकर
पंथ को गए थे वो भी राजद्वार पर पहुंचे थे। ये राजद्वार से लेकर राम जन्मभूमि तक का क्षेत्र पूरा रामकोट क्षेत्र कहलाता है आज भी। और इसी रामकोट क्षेत्र में ये द्वार था, द्वार पर हनुमान जी बैठे थे जो हनुमान गढ़ी के रूप में है। ये द्वार था तो भगवान राम का राज दरबार अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने बनवाया। और इन्हीं दो मंदिरों के मध्य से आप जाते हैं तो आपको 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल के रूप में कनक भवन मंदिर बनवाया। ये जहां से आप खड़े हैं इस राजद्वार पर, राजद्वार से लेकर राम जन्मभूमि तक का क्षेत्र त्रेता युग में भी रामकोट था, आज भी ये रामकोट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और ये रामकोट क्षेत्र के 5 बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी, राजद्वार, दशरथ महल, राम जन्मभूमि और कनक भवन, ये 5 बड़े मंदिर हैं इस रामकोट क्षेत्र के। कभी त्रेता युग में एक महल था, अब बाद में उन्हीं उन्हीं स्थानों पर अलग अलग मंदिरों के रूप में सब मंदिर स्थापित हुए हैं। राजा महाराजाओं ने बनवाया या साधु संतों ने बनवाया। सरयू उत्तर दिशा में बहती है। आप जब सरयू से स्नान करके मुख्य मार्ग से जो ही आप इधर मुड़ते हैं रामकोट क्षेत्र में, तो आपको सबसे पहले राजद्वार ही तो मिल रहा है जी। और राजद्वार बंद रहे ये कैसे संभव है? राजद्वार ही बंद रहे ये कैसे संभव है? मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप जाके नीचे जिनसे पूछे हो उन्हीं से पूछिए कि आप यहाँ बैठकर अयोध्या धाम में पवित्र धरती पर झूठ क्यों बोलते हैं। जी बिल्कुल, जरूर बात करेंगे, समझ रहे हैं। और राजद्वार तो वो स्थान है जहाँ आप रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, लिखा हुआ है जब भगवान राम जन्म लेते हैं रामनवमी के दिन अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, तो स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ भगवान का दर्शन करने राजद्वार पर पहुँचते हैं। लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो कोई बता दे अयोध्या का राजद्वार कहाँ है आप? मैं पुनः निवेदन करूंगा, आप जाके उन्हीं से पूछिए कि आप अयोध्या की धरती पर बैठ के क्यों झूठ बोलते हैं। जरूर जरूर, क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? देश दुनिया के लोग आते हैं इतनी आस्था लेकर के अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली सहित भगवान राम के हर पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन करने, क्यों आप यहाँ बैठ कर झूठ बोलते हैं? जय श्री कृष्ण। तो देख सकते हैं ये जो राजभवन मंदिर है उसकी भव्यता, और लोग कैसे यहाँ पे भ्रम फैलाते हैं कि ये मंदिर हमेशा बंद रहता है। तो अयोध्या जब भी आए तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मंदिर की दर्शन जरूर करें। कोई भी आपको कितना भी बोले कि मंदिर बंद रहता है, उनके बातों पर भरोसा ना करें और इस मंदिर को आकर के देखें, आपको पता चलेगा कि क्या भव्यता होती है इस जगह की। श्री राम, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना, यहाँ के जो हमारे पुजारी जी हैं, पुरोहित जो हैं, उन्होंने आपको अपने द्वारा बताया इस मंदिर के बारे में। और मैं आप लोगों से और ख़ास करके मोदी जी और योगी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मंदिर पर ध्यान दीजिए। लोग जो यहाँ श्रद्धालुओं के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मंदिर बंद रहता है, ठीक है, ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लोग दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से अयोध्या दर्शन करने आते हैं रामलला का, और रामलला का जो मुख्य द्वार मंदिर है उसी का दर्शन लोग नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये मंदिर खुली रहती है। मंदिर के बारे में ये भ्रांति फैलाया गया है, ये भ्रम फैलाया गया है कि मंदिर बंद रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिर खुली रहती है। और आपने पुजारी जी के भी मुख से सुना, और मैं फिर कहता हूँ ये मंदिर खुली रहती है। तो यहाँ जब भी आए, अयोध्या दर्शन जब भी करने आए, तो ये मंदिर को आप जरूर देखने आए इसे। और ये मंदिर की और मैं विशेषता बता दूँ, ये मुख्य राजद्वार मंदिर है और ये 500 साल पुरानी मंदिर है, 500 साल पुरानी धरोहर, आप समझ सकते हो। जय श्री राम।
जय श्री राम दोस्तों, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दर्शन रामलला का बहुत अच्छे से हुआ।